दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल ने सोमवार को दिल्ली में प्रदूषण के खिलाफ अभियान की शुरुआत की। दिल्ली सरकार इसे प्रदूषण के विरुद्ध युद्ध का नाम दे चुकी है। अरविंद केजरीवाल ने बताया कि एक वॉर रूम इसके लिए बनाया गया है, जिसमें प्रदूषण लेवल सुधारने पर पैनी नजर रखी जाएगी। उधर पूसा इंस्टीट्यूट ने एक कैप्सूल बनाया है, जिसे मुख्यमंत्री केजरीवाल किसानों को मुफ्त में देंगे, जिससे पराली को जलाने से बचा जा सकेगा और पराली को खाद में बदला जा सकेगा। समय संवाददाता ने सिमरन ने मौके का जायजा लिया है, रिपोर्ट देखिए। दिल्ली की आबोहवा खराब होने लगी है और आपने भी दिल्ली के मौसम में बदलाव जरूर महसूस किया होगा। और एक वो बदलाव जो आपने महसूस किया होगा वो दिल्ली में बढ़ते प्रदूषण का खतरा, इसी को लेकर दिल्ली के सीएम केजरीवाल सोमवार को एक महाअभियान की शुरुआत उन्होंने किया है। उसका नाम उन्होंने दिया है प्रदूषण के विरुद्ध युद्ध, यानी वॉर अगेंस्ट पॉल्यूशन का नाम उन्होंने दिया है। इसके तहत दिल्ली के सभी एजेंसियों को साथ लेकर राजधानी में पॉल्यूशन बढ़ने से रोका जाएगा। और अरविंद केजरीवाल ने बताया है कि उन्होंने एक वॉर रूम का गठित किया है और उन्होंने एक ऐप भी वो लॉन्च करेंगे और उस वॉर रूम में कोई भी जाकर डायरेक्ट अपनी शिकायत दर्ज करा सकता है, यानी जो लोग प्रदूषण फैलाते हैं उनके खिलाफ कार्रवाई वहाँ पे होगी। और एक कैप्सूल पूसा इंस्टीट्यूट ने बनाया है, जो अरविंद केजरीवाल ने बताया है कि वो किसानों को मुफ्त में उनके पास वो पहुँचाएंगे। और इस वक्त हम खड़े हैं दिल्ली के सचिवालय में, जहाँ पे आप देख सकते हैं यहाँ पे बोर्ड भी लगा हुआ है कि पराली ना जलाएं, यानी जो कैप्सूल लेके मुख्यमंत्री आए हुए हैं वो किसानों को फ्री में मुफ्त पहुँचाएंगे और उस कैप्सूल का घोल बना के किसान अपने पराली के ऊपर छिड़काव कर सकता है और ताकि उसे जलाने की नौबत ना आए। क्योंकि ये जो मौसम होता है, इस मौसम में हर किसान पराली अपने खेतों में जलाता है, जिससे जो धुआं होता है, हालांकि उसको भी काफ़ी दिक्कत होती है, उसको भी धुआं का सामना करना पड़ता है, लेकिन सबसे ज़्यादा तो जो दिक्कत का सामना करना पड़ता है वो दिल्ली वालों को सामना करना पड़ता है, उससे प्रदूषण का लेवल बहुत ज़्यादा हाई हो जाता है। हालांकि इन बीते 5 सालों में अगर हम पॉल्यूशन की लेवल की बात करें तो 25% गिरावट आई है। और जैसे कि ये समय कोरोना काल का है, तो जो कोरोना है वो अटैक हमारे लंग्स पे करता है और प्रदूषण भी, इसी को रोकने के लिए केजरीवाल ने ये महाअभियान की शुरुआत की है। इस समय दिल्ली से सिमरन पटेल, कैमरामैन देव के साथ।